जैसा कि हम अपने एम सी क्यू पॉइंट डिस्कस कर रहे थे तो दैट इज़ आर विट्रस हेमरेज मिरेज जिसके हम एम सी की पॉइंट जो आपके पास ट्वेंटी ट्वेल्थ से ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक आपके यू एच एस के पेपर्स में आ चुके हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट एम सी क्यू देखें कि आपके पास सोर्स ऑफ से विट्रस क्या है तो दैट इज द म्यूलर सेल ऑफ द रेटिना सेकेंड देखें आपके पास विट्रेक्टमी इज डन इफ द प्राइमरी विटरस प्रोसिस फॉर मोर देन थ्री मंथ्स आपके पास साइनरसिस का मीन क्या होता है तो दैट इज द कलेप्स ऑफ द विट्रस आपके पास सनेरिया है फोर्थ वाला आपके पास थर्टी ईयर मेल है प्रेजेंटेड विद द सडन पेनलेस लॉस ऑफ द विजन आपके पास इंटीरियर चैम्बर क्लियरड है और रेड रिफ्लेक्स एबसेंट है आपके पास डायग्नोसिस क्या होगा तो दैट इज़ द विट्रस हेमरेज फिफ्थ एम से क्यों देखेंगे आपके पास फाइंडिंग है इन द फॉलो आई के अंदर आपके पास कॉज ऑफ विट्रस हेमरेज है तो आपके पास ग्रे ओपेसिटीज नज़र आएंगी आपके पास फ्रेश या क्लॉटेड ब्लड नज़र आएगा सिक्सथ हेमसी क्यू देखें आपके पास साइनकसिस सिंक्टेलेंस का मीनिंग क्या होता है तो दैट इज़ द लिक्विफिकेशन ऑफ़ द विट्रस सेवनथ एम से क्यू देखें एक्यूमुलेशन ऑफ विच मटीरियल इज सीन इन द साइनकसिस सिंक्टेलेंस तो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है एर्थ देखें इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ विटरस डी जनरेशन क्या होती है तो आपके पास माइगोपिया होता है जल्दी से हम अपने पीपल के अब एम सी क्यू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट हमारे पास है जी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स ऑफ द विजुअल पाथवे कौन से होते हैं तो दैट आर द बाइपोलर आपके पास सेल्स होते हैं सेकेंड ऑर्डर जो होते हैं दीज आर द गंगलियन सेल्स उसके बाद लीजन है आपके पास ऑप्टिक के आजमा में इस तरह से जहाँ पर आपके पास हो रहा होता है तो ऑप्टिक के आजमा का पॉइंट उसको कहते हो तो वहाँ पर टेम्पोरल हेमी एनोपिया होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट एम सी क्यू है आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द टेम्पोरल हेमी एनोपिया क्या होता है तो ऑटोमेटेड हम पैरिमिट्री करते हैं या एम आर आई कराते हैं फिफ्थ एम सी क्यू देखें कि आपके पास इंजरी टू द टेम्पोरल लोब है कॉज विच टाइप ऑफ द डिफेक्ट तो आपके पास सुपीरियर क्वाड्रेंट्रिक हेमी हेमी uh, एनोपिया कराएगा तो ये आपने देख लेना है नेक्स्ट देखें जी सिक्स वाला आपके पास एम सी क्यू पीपल का तो व्हाट हैपन टू द दीपलरी रिफ्लेक्स इन केस ऑफ द इंजरी टू द लिटरल जेनिकुलेट बॉडी तो वो नॉर्मल रहेगी आपके पास सेवंथ देखें कि ई फ्रंट ऑफ द विजुअल पाथवे क्या होता है तो दीज आर द थर्ड नर्व आपके पास एट्थ एम सी क्यू देखें कि इंजरी होगी है टू द राइट ऑप्टिक ट्रैक टू द राइट लिटल जेनिकुलेट बॉडी तो कॉज करेगा विच कंडीशन को तो आपके पास लेफ्ट होमो होमोनोमस हेमी अनोपिया होगा यानी नेजल फील्ड डिफेक्ट इन राइट आई होगा और टेम्पोरल फील्ड डिफेक्ट होगा इन द लेफ्ट आई तो ये आप देखना है उसके बाद आपके पास आ जाता है जी नाइन एम सी क्यू के इनर्वेशन आपके पास फिंगर पिपले की क्या है तो आपके पास शॉर्ट सेलरी नर्व होती है